अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए शाम के स्नैक्स लेकर आई हूँ। ब्रेड पकौड़े, ब्रेड आलू स्टफिंग के साथ ब्रेड पकौड़े में बनाऊँगी। सर्दी है, सर्दी के दिनों में शाम के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता है चाय के साथ, जिससे कि सर्दी में थोड़ी कमी आए। तो मैंने सोचा कि ये आपकी एक ऐसी रेसिपी मैं बताऊं, बिल्कुल डिफरेंट सी, जिसे खाकर जो है वो सर्दी, यकीनन थोड़ी सी सर्दी में कमी आएगी, चाय के साथ मज़ा आएगा। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो मुझे चाहिए, ब्रेड मैंने ले लिए, ब्रेड है मेरे पास, इसको मैं इसके किनारे कट कर लूँगी। आलू मैंने ले लिए थे तीन आलू भी अगर हों तो आप बना सकते हैं, यानी आलूओं को मैंने इसमें अच्छी तरह से मैश कर लिया है बॉईल करके। और इसके अलावा आलू के लिए जो मसाले हैं मेरे पास, वन इसमें जो है वो टीस्पून फुल कुटी मिर्चें हैं, लाल मिर्चें, वन टीस्पून काली मिर्च है, वन टीस्पून फुल धनिया पाउडर है, वन टीस्पून फुल ही इसमें ज़ीरा पाउडर है और नमक है, और ये चाट मसाला है। चाट मसाला ये वो है जो मैंने घर पे तैयार किया होता है घर के लिए, तो इसमें भी तमाम इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, यानी कि जैसे ज़ीरा है, धनिया है, और वो जो टाटरी पाउडर होता है, और भी दूसरी चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं, थोड़े से अजवाइन है। इस तरह से मैं ये चाट मसाला घर में बनाती हूँ, तो वो मैंने वन टेबल स्पून लिया है। और इसके साथ ही इसमें बारीक चॉप एक दरमियानी से छोटी प्याज जो है उसको कर लिया है, हरा धनिया है इसे बारीक चॉप किया है, और हरी मिर्चें हैं, दो हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, इसके बाद ये बेसन है जो मैं बेसन बनाऊँगी कोटिंग के लिए। इसमें मैंने एक कप और हाफ कप, डेढ़ कप यानी कि बेसन ले लिया है, और टू टेबल स्पून मैंने ये इसमें चावल का आटा लिया है, साबित ज़ीरा मैंने इसमें डाल लिया है, वन टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, वन टीस्पून हल्दी है, वन पिंच इसमें फूड कलर जाएगा जो मैंने इसमें डाल लिया है, मैं डालती हूँ, और इसी तरह से वन टीस्पून से भी कम इसमें नमक है, नमक तो टू टेस्ट है जैसा आपको चाहें, इसी तरह से क्योंकि आलू में भी नमक है जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें भी इसी लिहाज से नमक डाला है जितना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आए मैं जल्दी से सबसे पहले बेसन बना लेती हूँ, ताकि बेसन थोड़ा सा सेट हो जाए। तो जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, पहले ड्राई मिक्स करूँगी, उसके बाद इसमें पानी ग्रेजुअली इसमें ऐड कर लूँगी मैं। ये इस तरह से मैं बेसन ये देखें, बेसन को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब मैं इसे, जब तक मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ और कटिंग करूँगी, मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये है, बस इतनी होनी चाहिए कि कोटिंग इजीली हो जाए। ये देखें, अब मैं इसे एक साइड पर कर देती हूँ और जल्दी से फिलिंग तैयार कर लेते हैं जो हम स्टफिंग करेंगे इसमें। सही से इसमें से आलू निकाल लें, ताकि ये देखें इसमें पहले मसाले सारे ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद इसमें ये पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये
और अब मैं इसमें प्याज और ये हरा धनिया थोड़ा सा मैं रखूंगी। बस ये इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलें जल्दी से अब ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। उस तरह से इसको साइडों से हमने ब्रेड की कटिंग करके इस तरह से अब इसमें मैं फिलिंग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से जितनी आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है, आप जितनी स्टफिंग चाहते हैं, कि आलू तो वैसे भी सबको पसंद ही होते हैं मोस्टली, और स्पेशली बच्चों को, तो ये तो वो स्नैक है कि जो आराम से आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं। इसको एक दिन के लिए आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक से दो दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो बस थोड़ा सा इसमें बच्चों के लिए अगर बनाएंगे तो ये ख्याल रखना है कि मसाले थोड़े उसी रेशो से डाले जाएं जितना के बच्चों को चाहिए। ठीक है, अब ये इस तरह से इसके ऊपर से कर देना है कवर, और फिर इसकी बहुत आराम से कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, ये एक स्टफिंग से हमारे चार इस तरह के जो हैं वो ब्रेड पकौड़े निकल जाएंगे। ये स्लाइसेस बड़े हैं इस वजह से। अच्छा, अगर स्लाइसेस बड़े ना भी हों तो कोई इशू नहीं है। अगर स्लाइसेस बड़े ना हों तो आप इसे सिर्फ जो है वो इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्लाइस साइज साइज में है तो ये इस तरह से हम इसे दो स्लाइसेस से चार कटिंग हम इसकी इस तरह की कर सकते हैं। और ये मैंने दोनों तरह से फिलिंग तैयार कर ली है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक में आप चार पीस भी निकाल सकते हैं अगर स्लाइसेस आपके पास बड़े हैं तो, और अगर छोटे स्लाइस हैं तो आप दो पीसेस भी इसमें से ट्रायंगल में निकाल सकते हैं, और कोई भी शेप आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने ये दोनों तरह से इसको कट कर लिया है। अब मैं इसे कोट करूँगी, इसकी कोटिंग करके और इसको फ्राई कर लूँगी। और इतनी देर में ही बेसन के सेट होने का टाइम भी हो गया है। ये देखिए थोड़े से मैं हरा धनिया मैंने थोड़े से हरा धनिया को मैंने सेव कर लिया था और इसको भी मैंने बेसन में डाल दिया है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी ऊपर से इसके बेसन के अंदर जो है वो हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर दिया है ताकि ये फ्राई होने के बाद इसका लुक जो है वो अच्छा सा आ जाएगा। बेसन की स्मूथनेस देखें, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, अब इसमें ही इसको डिप करना है और फ्राई कर लेना है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और फ्लेम को लो कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक डिप करती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। ये देखें फ्लेम को डालते वक्त आप इसको लो रखें और फिर इसके बाद मीडियम पे कर दें और फ्राई कर लें, इसलिए कि इसमें ब्रेड में भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पकने की और आलू तो बॉयल्ड ही है, तो इस तरह से इसको जल्दी से पका लेना है और निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से इसे डालते जाएंगे। चार की गुंजाइश बन रही है तो मैं इसमें चार पकौड़े डाल दूँगी एक बार में। ये
से ही एक तरफ से स्टेबल हो जाए, इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे, यानी इसके इसके साइड को चेंज कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों साइड्स पर मैंने इसको छोड़ दिया इस तरह से। अब इसे मैं कलर देकर और निकाल लूँगी। ये देखें, इसने कलर आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और नेक्स्ट इसमें फिर हम डाल लेंगे। तो ये हमारे यमी से ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए और देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में, बहुत क्रिस्पी से और बहुत चटपटे भी है। अंदर से फिलिंग जो आलू की है वो बहुत मज़ेदार सी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। और बस अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।